ऐसे ही वर्दी वाले अपनी संगीने लेकर खड़े होते थे। यही सही कुछ मंदिर देखो, इतना अच्छा लग रहा है, ये वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी, वरना नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या कहना, वाह बहादुरों, वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह मुबारक मुबारक तुम्हें, हकों को डराने वालों, बेकसों को डराने वालों, बुरका पोशों पर बेत उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें ये जवानमर्दी, बहादुरी मुबारक तुम्हें, मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए, तुमने इतना इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। जिंदाबाद, अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थाने गंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लखदफ हो गए, अजी सूद कर डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर गए तो का भैया हट के चलो, हट के चलो, वाह अरे वाह चरित्र मानो, वाह हम मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत और तुम पतली गलियों से, वाह एक महीने से मोटरसाइकिलें गलियों में 500 की फौज, अरे नेक बख्तो क्या कर रहे हो, ये तेल देश के लिए बचा कर रखे, ये क्या कर रहे हो गलियों में, गलियां देख रहे हैं, अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया ये, फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत बच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया, मगर अब तो ऐसा है फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो मिसाल भी नहीं दे सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब, कितनी औकात गिरा दी, कितनी हैसियत गिरा दी, क्या कर रहे हो, आ जाओ यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यहाँ आ जाओ, ये दो सर्टिफिकेट हमें लेकर, हम भी ताली में जाएंगे भांडों की तरह, भांड गेरी आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो, नहीं भांड गिरी से शासक नहीं होती, भांड गिरी से देश नहीं चलता, खाकी वर्दी के वकार को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है, रोज के फ्लैग मार्च से वकार खत्म हो गया है, क्या कर रहे हो इस किसान को, आप तो बड़े बहादुर आदमी है, मशीन निकाल रहा अरे वाह वाह फर्नीचर उठा रहा है, कलकत्ते के कबाड़ी बाजार से खरीद कर लाता था ट्रक के ट्रक, और जब उतरता था तो कबाड़ी कहते थे आजम भाई आ गया, आजम भाई आ गया, आ जाओ आ जाओ, कोई 20 रुपए की अलमारी तो 50 रुपए की मेज लाकर उसकी मरम्मत कराता था, पॉलिश कराता था, ये रहा मदरसा आलिया, जब तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उसे लिया, उसे 40 साल पहले वो खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था, बच्चे पढ़ा रहा हूं, कौन है ये बच्चे पढ़ा रहा, सब धर्मों के सब जातियों के बेटियां पढ़ा रहा हूं, रह नहीं रहा हूं, पुलिस वालों गली में रहता हूं, देश के जवानों बहादुरों, इन्हें 5 तारीख को मारना मत, इन्हें डराना मत, वरना याद रखना
किसी एक पदर सिंह की भी आग बढ़ गई तो बर्बाद हो जाओगे। वो एक सीनियर साहब थे, ऐसे ही थे माशाल्लाह, वो भी कांस्टेबल बना दिए गए। कांस्टेबल या तो सीओ साहब थे या सिपाही हो गए। अल्लाह की लाठी भी आवाज है। दो बार आप कार में बंद हैं, अभी जमानत भी नहीं हुई। एक और अफसर साहब थे, यूनिवर्सिटी की इमारत में ताला डालकर आए थे, घर गए, दर्द उठा, 5 मिनट में मर गए। हम पर जुल्म करने वालों मिलेंगी सजाएं, देर लग सकती है, आने रायगढ़ नहीं जाएंगी। इसलिए जुल्म करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, ये वही गरीब लोग हैं जो गरीब घरों से कमाते हैं। तुम्हारे कंधों पर सितारे जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये सितारे जुल्म करने के लिए नहीं लगे हैं, हिफाजत करने के लिए। बहुत बढ़िया। अगर कहीं जमीर है और कहीं तुम्हारे दिल में कुछ है, तो अपने आप से सवाल करना, और तुम अपने आप से ना कर सको तो अपने वालिद से करना, अपनी वालदा से करना। क्या इसीलिए आपने हमें खाली वर्दी पहनने के लिए राय दी थी कि हम गरीब पर जुल्म करें, सख्ती करें, उनके साथ अन्याय करें? क्या अफसर साहब इसीलिए आप बरेली से तशरीफ आए थे? हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, और याद रहे हर जुल्म का सबूत है हमारे पास। वो शरीर की जो मौत हुई है शहादत की, हमारे पास उसका भी सबूत है। हम आपके हर चीज का रिकॉर्ड करें। जितने दरवाजे तोड़े हैं आपके घरों के, हमारे पास सबके फोटेज है, सबकी वीडियो है। दरवाजे तोड़कर घरों में घुसकर पति हुए खानों पर डांटे मारकर उनके खानों को फेंककर बच्चों को भूखा रखते हो, यही है तुम्हारा फर्ज, यही है जिम्मेदारी। अरे डरो अपने मालिक से, डरो उस पैदा करने वाले से, और डरो उस काम करने वाले से जिसे तुम्हें इस काबिल बनाया है कि ये मर्दी तुम्हारी शान बनी है, ये सितारे तुम्हारी शान बने हैं, इसका अपमान ना करो। इतनी फौज, इतने बहादुर हैं आप, इतना डर गए इन गरीबों से? अखिलेश जी क्या हो रहा है? कहां जा रहा है ये देश? चंद्रशेखर भाई क्या हो रहा है? ये देश कहां जा रहा है? क्या होगा अंजाम? छावनी बना दिया रामपुर को, जबरदस्ती पार्लियामेंट की सीट छीन ली हमसे, 9% वोट हुआ पोलिंग स्टेशन से। ये बैठे हैं, इन्हें मार लो, जितना चाहो मारना है मार लो, नौजवानों मार लो इन्हें, दवा दवा कर मारो इन्हें, क्योंकि ये बोलते नहीं मारो। मैंने दुआ की है अल्लाह से, ये अल्लाह हर शहर में एक चोर पैदा कर, मुर्गी चोर, भैंस चोर, बकरी चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर, यूनिवर्सिटी बनाने वाला किताब चोर। अरे कोई शर्म हया तो करो, कहा ये मदरसे की किताबें भी, उसमें रामायण भी थी, किस मदरसे में रामायण पढ़ाई जाती है भाई? मेरी कुर्सी के बराबर रखी हुई रामायण 2019 में जो किताबें लूट कर लाए थे, वही किताबें हम बच्चों की साबित करती है। क्या कर रहे हो? अरे सरकारें तो बुराई कर सकती हैं, नेता बहुत बुरे हो सकते हैं मेरे जैसे, मुझसे भी ज्यादा बुरे, लेकिन आप लोग अपने आप को वहां मत खड़ा करो जहां हम खड़े हैं। अगर हम करप्ट हो जाएंगे तो देश को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा इस वर्दी की लाज? लाजो खुश। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खान तुम संघर्ष आने वाले वक्त में हर शहर में एक चोर पैदा होगा, एक डकैत पैदा होगा मेरी तरह। चोरी की दफाएं नहीं लगी हैं, डकैती की लगी हैं, जिसमें उम्र कैद हो सकती है। पहले मुकदमे में सजा हुई है सबसे ज्यादा, वो मुजरिम खड़ा है, तुमसे कुछ मांगने आया है। तुमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा मुंह काला करा दिया, मुझे जीने का नहीं छोड़ा, और अंजाम ये हुआ कि मेरी सदस्यता भी चली गई तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी बुजदिली की वजह से। अब लाज रख लो, एक भिखारी के हाथ तुम्हारे सामने फैले हैं, जो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए वोट मांगने के लिए आया है, जो इतनी बीमारी के बाद भी दरवाजे दरवाजे जा रहा है। आजान भी तो ये कह रही है, ये कैसे आ रही है आवाज, ये कैसा लाउड, हमारी सभा खराब हो रही है इसकी वजह से, ये किसी इलाके का लाउड स्पीकर बज रहा है। एसपी साहब देखो, ये देखो आपके आदेश सुनवाने जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अरे ये आजान की आवाज कैसे आई? लगता है एसपी साहब का आदेश दबानी, कौन सा थाना है ये? अरे इन चार साहब तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतारो इस स्पीकर को, क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया।